तो फैमिली, आज मैं बात करने वाला हूँ कि वी चैट की जो आईडी है मैं कैसे बनाता हूँ, किस ट्रिक से बनाता हूँ। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी मैंने रिसेंटली एक वीडियो डाली थी और उसमें जो है मैंने बोला था कि 10 लोगों की जो है आईडी बना के मैं देने वाला हूँ गिववे में। मतलब कि जो भी वीडियो आएगी हर वीडियो में 10-10 आईडी मैं बना के देने वाला हूँ। लेकिन जो है मेरे को इतना ज़्यादा मैसेज आ गए, आप लोगों ने इतना ज़्यादा मैसेज कर दिया कि मुझे जो है ट्रिक अब आप लोगों को बतानी पड़ेगी, क्योंकि मैं हर एक बंदे की आईडी बना के नहीं दे सकता। इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि जो ट्रिक से मैं आईडी बनाता हूँ वो ट्रिक आप लोगों को बता देनी चाहिए, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हो और अगर फैमिली से ही कोई चीज़ छिपाते हैं तो फिर क्या मतलब। इसीलिए जो है इस वीडियो में आपको ट्रिक पता चलेगी वीचैट आईडी कैसे बनाते हैं हम और कैसे आप लोग भी बना सकते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं इस ट्रिक के बारे में वीडियो क्यों बना रहा हूँ। इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जो है मैं किसी का रिप्लाई तक नहीं दे पा रहा। आईडी बना के देना बहुत दूर की बात है, ठीक है? तो मैं किसी का रिप्लाई नहीं दे पा रहा था और जब मैंने मैसेजेस देखे कुछ लोगों के तो मुझे वहाँ पे कुछ लोगों ने गालियाँ भी दी। तो इससे अच्छा है कि मैं ट्रिक के बारे में ही वीडियो बना देता हूँ, जिस ट्रिक से मैं वी चैट की आईडी बनाता हूँ। इससे किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होगी, जो भी वीडियो को देखेगा वो जो है 100% अपनी वी चैट की आईडी बना लेगा। और या इस वीडियो में मैं आपको पूरे प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, जिस बंदे की मैंने आईडी बनाई है इंस्टाग्राम ओपन करके वहां से मैं नंबर कॉपी किया हूँ, सारी प्रोसेस आपको दिखाने वाला हूँ। एक एक छोटी सी छोटी चीज आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है मुझे पता है, लेकिन अगर आप इसे एक बार पूरा देख लेते हैं तो आप जो है अपनी वी चैट की आईडी बना सकते हैं, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। तो प्लीज फैमिली वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो को। तो फैमिली आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे जो है मैंने अपना इंस्टाग्राम ओपन कर लिया है। प्रूफ के तौर पे मैं अपनी प्रोफाइल भी आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये मेरी ही प्रोफाइल है। अब मैं मैसेज वाले ऑप्शन पे चला जाता हूँ, यहाँ पे दिलप्रीत भाई ने नंबर सेंड किया है अपना, आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ से मैं नंबर कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि इन्हीं का आईडी मैं आप लोगों को बना के दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। नंबर कॉपी करने के बाद फैमिली आपको ओपन कर लेना है वी चैट एप्लीकेशन को, देख सकते हो मैंने वी चैट एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है। साइन अप वाले ऑप्शन पे आना है, मोबाइल वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको सबसे पहले नेम्ड ऐड करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने टेक पावर लिख दिया है, इंडिया से है भाई तो इंडिया है मैंने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे भाई का नंबर मैंने पेस्ट कर दिया है और यहाँ पे एक यूनिक सा पासवर्ड ऐड कर दिया है। उसके बाद नीचे आपको ऑप्शन मिल जाती है एग्री टू टर्म्स ऑफ सर्विस की, उसे सेलेक्ट करना है और साइन अप वाले ऑप्शन पे टच कर देना है। जैसे ही आप साइन अप वाले ऑप्शन पे टच करेंगे ये थोड़ा सा वेट कराएगा, आपसे लोडिंग लेगा, तो आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ और वेट करने के बाद अब आगे की जो प्रोसेस है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, आपको जो है आई हैव रीड वाले ऑप्शन पर टच करना है, उसके बाद जो है आगे की प्रोसीड कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे आगे की जो भी है प्रोसेस, उसके बाद यहाँ पे जो है सर्विस वेरिफिकेशन का आएगा। यहाँ पे थोड़ा सा आपका स्क्रीन जो है वो लोडिंग लेगा, लोडिंग लेने के बाद स्टार्ट का ऑप्शन मिलेगा, आपको सिंपली स्टार्ट पे टच कर देना है। अब यहाँ पे फाइनली आपको मिल जाएगा पजल सॉल्व करने के लिए। अब जो मेन ट्रिक है वो यहीं पे वर्क करती है, आप लोग ध्यान से देखना। अब आपको वेट कर लेना है जब तक ये पजल पूरी तरीके से ओपन ना हो जाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये लोडिंग स्क्रीन है, मैं वेट कर लेता हूँ और पजल आ चुका है, मैंने सॉल्व भी कर दिया है। फैमिली मैं आप लोगों को बता दूँ कि इस वीडियो को कहीं पर भी मैं कट या स्किप नहीं कर रहा हूँ, पूरी की पूरी वीडियो ही अपलोड कर रहा हूँ, इसीलिए ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी होने वाली है। तो देख सकते हैं पजल को मैंने सॉल्व कर दिया है, लेकिन अभी तक कुछ भी यहां पे रिप्लाई नहीं आया है। यहां पे आ चुका है ट्राई अगेन का ऑप्शन, मतलब कि मेरा पजल जो है वो सही तरीके से फिल नहीं हुआ था, मैंने फिर से फिल कर लिया यहां पे और यहां पे ग्रीन का टिक लग चुका है। मैंने अपने फोन का जो डाटा है ऑफ कर दिया है, अब यहां पे क्लोज कर दिया मैंने। क्लोज करने के बाद डाटा जो है मैंने फिर से ऑन कर दिया है। जैसे ही मैंने डाटा ऑन किया तो यहां पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ चुका है। अब यहां पे मैं आप लोगों को बता दूं कुछ भी नहीं करना है, आपको थोड़ा सा वेट करना है 5 से 10 सेकंड, उसके बाद आपको सिंपली बैक कर देना है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ और उसके बाद जो है फिर बैक करके आपको पूरी प्रोसेस दिखाता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे गो बैक किया मैंने, साइन अप पे टच किया, मोबाइल वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया और मैंने वही नेम ऐड किया जो मैंने पहले यहाँ पे लिखा हुआ था। मैंने वही कंट्री यहाँ पे सेलेक्ट की दोबारा भी जो मैंने पहले की थी। मैंने वही नंबर यहाँ पे ऐड किया जो मैंने पहली बार किया था। मैंने वही पासवर्ड यहाँ पे ऐड किया जो मैंने पहली बार किया था। सारी प्रोसेस आपको फिर से उसी तरीके से करनी है, लेकिन इस बार आपको अपने फोन का डाटा नहीं ऑफ करना है। जी हाँ, इस बार डायरेक्ट आपके फोन में जो है ओटीपी आ जाएगा। तो देख सकते हैं मैं फिर से वही प्रोसेस कर रहा हूं, आप लोगों को भी कर लेनी है। देख सकते हैं ये जो है प्लीज वेट करा रहा है, तो मैं वेट कर लेता हूं। यहां पे अभी ये थोड़ा सा लोडिंग स्क्रीन है, यहां पे स्टार्ट पे मैंने टच किया, स्टार्ट पे टच करने के बाद फैमिली ये थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है और यहां पे जो है पजल का ऑप्शन फिर से आ चुका है। अभी ये जो है पजल पूरी तरीके से ओपन नहीं हुआ है, तो मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूं। देख सकते हो फैमिली पजल जो है आ चुका है, मैंने सॉल्व किया। साथ ही साथ आप लोग टाइम भी देखते रहना, ये बाद में ये मत बोलना
कि आपने जो है वीडियो को कट कर दिया है, ठीक है। मैंने कई वीडियो में देखा है कि आप लोग कमेंट किए हो, लेकिन इस वीडियो में देखना राइट का टिक लगा और ये लोडिंग लेने के बाद फिर से ये लोडिंग आया और देख सकते हो कि यहाँ पे जो है OTP का ऑप्शन आ चुका है। अब ये मैंने अपना इंस्टाग्राम ओपन किया और भाई को मैंने मैसेज किया कि भाई OTP सेंड कर दो। यहाँ पे अभी भाई जो है OTP देने वाले हैं, देख सकते हो यहाँ पे जो है मैंने उन्हें इंस्टाग्राम पे मैसेज भी किया है और मैं आप लोगों को बता दूं, देख सकते हो यहाँ पे जो है भाई ने OTP दे दिया, मैंने OTP कॉपी किया और यहाँ पे जो है मैं OTP जो है ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद मैंने नेक्स्ट किया, देख सकते हो प्लीज वेट आ रहा है और उसके बाद अब जो आगे आप देखोगे एकदम से हैरान रह जाओगे। जी हाँ, ये कोई फेक वीडियो नहीं है, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, चिल्लाते चिल्लाते पूरा जो है गला दुखने लगता है। देख सकते हो यहाँ पे ओके आया, अलाउ किया मैंने, लोडिंग ले रहा है और ये देख सकते हैं फाइनली भाई का ID बन चुका है। जी हाँ, ये भाई का ID बन चुका है और मैं आप लोगों को बता दूं मैं सबकी ID नहीं बना पा रहा हूं, इसीलिए मैं ये ट्रिक बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोग जो है आप खुद से अपनी ID बना लेना। यहां पे मैं भाई को ID पासवर्ड भी देने वाला हूं इंस्टाग्राम पे। भाई से लॉगिन कराने के बाद भाई से पूछूंगा भी कि आपने क्या लॉगिन किया है कि नहीं कर पाए, सारी प्रोसेस जो है आपको पूरी तरीके से समझाता हूं इंस्टाग्राम पे। फिर भी कुछ लोग बोलते हैं कि भाई तू रिप्लाई नहीं देता। मैं आप लोगों को बता दूं इतनी ज्यादा मेहनत करता हूं आप लोगों के लिए, उसके बाद जब आप लोग इस तरीके का मैसेज करते हैं तो बहुत ज्यादा बुरा लगता है। देख सकते हैं यहां पे स्क्रीनशॉट मैंने भाई को भेज दिया है और यहां पे मैं लिखने वाला हूं कि भाई आपकी ID जो है वो बन चुकी है और आप जो है लॉगिन कर लो। यहां पे भाई को जो है मैं ID और पासवर्ड सब कुछ लिख के सेंड कर रहा हूं इंस्टाग्राम पे और बता दूं कि बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, कभी कभी 15 से 20 मिनट लग जाते हैं एक ID को बनाने के लिए। इसीलिए मैं ये ट्रिक जो है अब बता दिया हूं आप लोगों को, आप लोग मेरी फैमिली हो, अब आप लोगों को ये ट्रिक पता हो गई है। तो अगर आपकी ID में कोई भी दिक्कत होती है आप नए नंबर से अपनी ID बना लेना। यहाँ पे देख लो, पूरी देख लेना वीडियो तभी जाना यार। अब उसके बाद जब ट्राई कर लेना ID बन जाए तो फिर आगे कमेंट कर देना, फिर सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, फिर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना। तो यहाँ पे देख सकते हो भाई को मैंने ID पासवर्ड सब कुछ बता दिया है। बताने के बाद भाई से यहाँ पे मैं पूछूंगा भी कि क्या आपने लॉगिन कर लिया है कि नहीं किया, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ID लॉगिन करने में, सारी कुछ जो है। वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है तो यहाँ पे जो है मैं थोड़ा सा जो है वीडियो का जो स्पीड है वो बढ़ा देता हूँ, आप लोग पूरी देख लेना और इसके बाद यार कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट कर देना क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो बस फैमिली आज के लिए इतना ही था और बता दूँ कि आप लोग जाओ जल्दी जल्दी अपनी ID बनाओ और बता दूँ कोई भी बंदा अभी तक ऐसी वीडियो नहीं डाला है यूट्यूब पे, मैं पहला ऐसा बंदा हूँ जो WeChat की ID के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत किया हूँ आप लोगों के लिए। तो आप लोग भी एक लाइक करना, कमेंट करना और चैनल पे ना तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। 10K कंप्लीट हो गए हैं, स्टोरी मिलने वाला है, बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। परंपरा को आगे बढ़ाना है, इस चैनल को 1 मिलियन तक ले जाना है, तो साथ दोस्त इसी तरीके से सपोर्ट करते रहो अपने भाई को। तो बस फैमिली, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।